हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जोन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को इक्वा एंड ब्लैक टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस फोटो की लाइटिंग एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सन वाले आइकन पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे। ओके गाइस, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने अनुसार लाइट को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस, मैं यहाँ से हाईलाइट की वैल्यू को थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ। तो गाइस, हाईलाइट की वैल्यू को हम -50 रखते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम +6 रखते हैं एंड शैडोज की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो गाइस, शैडोज की वैल्यू को हम -8 रखेंगे एंड वाइट की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम माइनस कर देंगे। तो गाइस, वाइट की वैल्यू को हम -12 रखते हैं एंड ब्लैक्स की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो ब्लैक्स की वैल्यू को हम -10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं कलर पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेम्परेचर की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसे हम +4 रखते हैं एंड टिंट की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को हम +11 रखते हैं एंड वाइब्रेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो वाइब्रेंस की वैल्यू को हम +31 रखते हैं एंड सैचुरेशन की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, सैचुरेशन की वैल्यू को हम +10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम -15 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम +20 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम -100 कर देंगे एंड इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी -100 कर देंगे एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसकी वैल्यू को हम -15 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम -100 कर देंगे एंड इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी -100 कर देंगे एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम -20 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी ह्यू की वैल्यू को हम -60 रखते हैं एंड इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम +62 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम +10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे, एंड पर्पल कलर में आने के बाद यहाँ से भी इसकी ह्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसे हम -59 रखते हैं एंड इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम +76 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम -20 रखते हैं एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को हम +40 रखते हैं एंड डीएच की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, डीएच की वैल्यू को हम +10 रखते हैं एंड विनियट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो विनियट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, तो इसे हम -45 रखते हैं
एंड मिड पॉइंट की वैल्यू को हम डिक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो मिड पॉइंट की वैल्यू को हम प्लस 16 रखते हैं एंड यहां से फेदर की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। तो गाइस फेदर की वैल्यू को हम प्लस 84 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे, इस वाले आइकन पे एंड यहां क्लिक करेंगे और यहां से शार्पनिंग की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो शार्पनिंग की वैल्यू को हम प्लस 35 रखते हैं एंड नॉइस रिडक्शन इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को हम प्लस 20 रखते हैं एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस इसे हम प्लस 10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं लेंस आइकन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन को हम ऑन कर देंगे। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसे थी एंड आफ्टर ऐसे। सो गाइस काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, अगर आपको ये एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।